अब हम तो बैठे बैठे ये सोच रहे थे कभी यहां बैठत रही, यहां कभी होजिंगा बैठत रही, कभी गुरुजी कहीं जा रहे। मैं को ये सोच सोच के ये जो 7 दिन बीता है ये सपना जैसा लग रहा है। गुरुजी आप इस बात की चिंता तो नहीं ही करते हैं कि कुछ लोगों ने क्या लिखा और क्या कहा, ये चिंता करना तो ना आपके स्वभाव में है और ना तो आपके भाव में है। लेकिन गुरुजी मैं बता सकता हूं, दिनेश तो पहली बार आए हैं, ये 2-3 बार से प्रयास कर रहे थे, शायद आपने ही कुछ रचना रच दी कि अंतिम में ही आना। ये कल भी आ रहे थे, मैंने रोक दिया कि अभी हम लिखी तू का लई है। और दिनेश लाल यादव देखिए, ये गुरुजी अभी ये हम लोग हमारे छोटे भाई जैसे हैं, ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं सिनेमा के, आगे आगे हम जहां जहां गए तहां तहां ही जाते बा। अभी ये संसद में भी आजमगढ़ से सांसद होके चले गए गुरुजी, इनका एक बार आप लोग भी आशीर्वाद दे दीजिए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हम लोग तो हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि वैसे तो तुलसीदास जी भी जब काशी में आए थे ना गुरुजी, जब तुलसी बाबा काशी में रामचरितमानस लेके आए थे, यहां बाबा विश्वनाथ जी के न्यास अध्यक्ष जी बैठे हैं, यहां पे इतने संत महात्मा बैठे हैं, कौन विद्वान कहां बैठा है हम नहीं देख पा रहे। जो बड़ा विद्वान है वो तो बोल ही नहीं रहा है कि हमको कहां बिठाओ, वो तो पता चले उधर किनारे बारिश हो रही है तब छाता लगा के बैठा। गुरुजी जब तुलसीदास जी आए थे तब भी यहां उनके ऊपर संकट आया था, बहुत ही संकट आया था, रामचरितमानस की परीक्षा ली गई थी। काशी विश्वनाथ जी में रामचरितमानस को वेद उपनिषद कितने नीचे रखा गया था, और तब भी तुलसी बाबा ने यही कहा था कि मैंने नहीं लिखा है, बाबा ने लिखवाया है। और बाबा विश्वनाथ जी ने उस रामचरितमानस पे अपना हस्ताक्षर कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के कर दिया। तो गुरुजी इस काशी में मैंने अपनी आंखों से यहां 5-5 लाख लोगों को खड़ा होते हुए देखा। तो गुरुजी 2-4 लोगों ने क्या कहा है क्या लिखा है इस पे तो जाने का कोई भाव ही नहीं, हम तो अब तैयारी में हैं अगली बार हमारा कैसा होगा, अगला साल आप जब 3 दिन के लिए भी देंगे गुरुजी। हमने तो शुरू में ही एक दिन कहा था, एक भाव निकल गया था, गुरुजी आप जाएंगे नहीं यहां से, आप शरीर से चले जाइए, अब काशी के दिल से आप नहीं जाने वाले हैं गुरुजी, पूर्वांचल के दिल से आप नहीं जाने वाले। और मैंने देखा है आपका प्रेम देखा है, आप रास्ता में चलते हुए मुझे बोलते, मैं 2 दिन गाड़ी चला रहा था तो गुरुजी बोले शीशा खोल दो मेरा। आप सबको जान के आश्चर्य होगा गुरुजी एसी नहीं चलाते हैं कमरे में, हमसे बोलते हैं शीशा खोल दो। हमने कहा हम गुरुजी बवाले कराई रहुआ रास्ता में, स्कूल घेर लिया सन गड़िया, हम कैसे पार पाई, तो भी खोल खोल के गाड़ी जो जा रहा है कहो कहा लो। एक घटना तो हमने आपको बताई भी थी गुरुजी, आपको भूल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा विश्वास है कि यहां पे दिनेश भाई मैं तो मात्र 2 दिन गया था बीच में, पता नहीं कब गुजरात जाके आ गए कब दिल्ली जाके आ गए, पता चला आपको मैं रोज यही था ना, मैं भी आप ही की तरह एक बागेश्वर धाम का दीवाना हूं मेरे भैया। और जो भी वहां घुसेगा वो जीवन भर उस भक्ति भाव से बाहर नहीं निकल पाए। ओम नमः पार्वती पतये हर।